नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कोरोना से संक्रमित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी क्वारंटाइन हुए। उसी कड़ी में उमरिया कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव ने जिले के चंदिया थाना परिसर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिले के थाना चंदिया परिसर में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव पाए जाने पर चंदिया तहसील के वार्ड नंबर 8 चंदिया थाना परिसर में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है एवं क्षेत्र के चिन्हित लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा एवं कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव मरीज को जिला हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उपचार जारी है। वही कलेक्टर के निर्देशन में कंटेनमेंट जोन के लिए बांधवगढ़ SDM अनुराग सिंह को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है एवं SDOP KK पांडे, राजेश महतेल, डॉक्टर वरुण विश्वास, नोडल अधिकारी अनिल सिंह को भी CMHO राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम में शामिल किया गया है, जहां कंटेनमेंट एरिया में विशेष RRT के अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपिडीमियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं डॉक्यूमेंटेंस स्टाफ को रखा गया है एवं पूरे थाना क्षेत्र में सैनिटाइजर किया गया है। वही जिले में क्षेत्र का जायजा लेने के लिए शहडोल संभाग के DIG PS UEK मौका स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, जहां उन्होंने बताया कि चंदिया थाने में पदस्थ आरक्षक एवं जिले के थानों में पुलिसकर्मी विभागीय कार्य से सागर गए हुए थे एवं एक आरक्षक जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है एवं आरक्षक के साथ गए हुए पुलिसकर्मियों को भी PTS में क्वारंटाइन किया गया है एवं पुलिस को निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए PPE किट का इस्तेमाल करें। जहां कोरोना के दौरान शासन प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की गई है, वही जिलेवासियों के द्वारा नियम कानून को नज़रअंदाज करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। शासकीय एवं व्यापारिक संस्थानों में लोगों की भीड़ निरंतर देखी जा रही है एवं वाहनों में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा लोगों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। PSU उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कोरोना की बहुत संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे अभी आपके चंदिया मैं कनौरा पकड़ा गया पुलिस वाले को, तो मेरी कहना है कि दूरी बना के रखा जाए और मास्क लगा के ही रखें, अपने को सेफ्टी बना के ही रखना चाहिए, जिसमें से कनौरा से हम लोग बच सके। चलिए थाना अंतर्गत एक सिपाही का ड्यूटी पाए गए, इसलिए कि वो किसी न किसी का ड्यूटी के संपर्क में आए, इसलिए उनका ड्यूटी हो गए और इसी के चलते हमारे साइड में उसी वरिष्ठ अधिकारी आए और चंदिया थाना को, चंदिया क्षेत्र को सील करवा दिए हैं और समस्त जिलेवासियों से हम निवेदन करते हैं कि मास्क लगाकर सभी लोग चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हमारा क्षेत्र इस कोरोना से बचा रहे। सभी को इस समय जो त्यौहार आ रहे हैं, उस त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य बनाए रखें, आपस में मिले जुले, लेकिन कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मिले, अन्यथा अनायास किसी के घर जाना, भीड़ भाड़ इलाके में जाना, इसको सोच समझ कर करें, जिससे हम इस कोरोना महामारी से लड़ सके और अपने जिला के लोगों को कोरोना से बचा सके। सभी देशवासियों से मेरा बार बार निवेदन है, उमरिया जिला वासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शासन के नियमों का पालन करें और अपने आप को, अपने क्षेत्र को, अपने बच्चों को बचाए रखें। हाँ, अभी चंदिया में केस पॉजिटिव पाया गया है, उसी के बारे में हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जाँच पड़ताल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गया था, गाड़ी गई है, हल्के फुल्के लक्षण हैं और गाड़ी भी लाके भर्ती करेगी। कहा जा रहा है जो कहाँ कहाँ गया है, फोन पे बात हुई है, हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट टच में है, जहाँ जहाँ गया होगा वहाँ वहाँ हम लोग सूचित करेंगे, कहाँ जिन जिन से मिला होगा उनको सूचित करेंगे। पहला काम यह है कि उस एरिया को कंटेनमेंट हम डिक्लेयर कर दें, मरीज को उठा लाएं जो प्राथमिकता है और यहाँ भर्ती कर दें, उस एरिया को कंटेनमेंट कर दें, लोग बाहर निकलना बंद कर दें, फिर हम लोग अब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे जैसे कि हमेशा होता है। कल हमारे 36 हो गए, तो अभी एक्टिव जो कहलाते हैं 11 और एक्टिव 24 डिस्चार्ज
14 लोग और एक की डेथ हो चुकी है, एक्टिव हमारे 11 हो गए। क्योंकि कोरोना तो किसी को नहीं पहचानता है ना, कि सिपाही है कि सेवक है कि नेता है कि मुख्यमंत्री है, वो तो जो भी संक्रमित के संपर्क में आएंगे वो संक्रमण के शिकार बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग, साधारण आदमी से लेकर के विशिष्ट आदमी तक, सब लोग एहतियात का पालन करें। जो भी एहतियातन चूक करेगा वो संक्रमण का शिकार होगा। तो अच्छी बात ये है कि उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनके संपर्क में जो लोग आए थे आने को भी सील किया गया है। पर मैं मानता हूँ कि जो सामान्य प्रक्रिया जो दूसरे संस्थानों के संबंध में होती है वही पुलिस थाने के साथ भी की गई है, तो अच्छी बात है। और PS उइके साहब ने यहाँ विजिट भी की है और उन्होंने ज़रूरी निर्देश दिए हैं। मैं मानता हूँ कि आगे पुलिस के लोग सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और संक्रमण की शिकार होंगे। और मेरा कोरोना पर यही कहना है कि जहाँ पर भी जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमें सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमें कोरोना के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं तो हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी और कई सभी जगह के मंत्रालय ने भी, WHO ने भी हमें निर्देशित किया है। इतना लंबा समय हमारी सरकार ने भी लॉकडाउन करके हम सभी को ये जानकारी दी है कि हमें कोरोना से खुद को कैसे बचाना है। अगर हम उन चीजों को अभी अनदेखा करते हैं तो ये गलत है। हम खुद अपने आप को, अपने साथ अपने परिवार को, अपने गाँव वालों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को संक्रमित कर सकते हैं। एक कोरोना की हमें कड़ी को तोड़ना होगा, उसके सर्कल को तोड़ना होगा। उसकी साइकिल को तोड़ने के लिए हमें सेल्फ आइसोलेट करना होगा, हमें अपने हाथों को धोना पड़ेगा। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। अगर हम इन सब चीज़ों का अनदेखी करते हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, फेस पे मास्क नहीं लगाते हैं, तो कोरोना हम पर हावी होगा। कोरोना बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर ये इसको कम भी नहीं आंका जा सकता है। एक आरक्षक जो FSL माल लेके सागर गया था, उसके साथ और भी थानों से जो आरक्षक गए हुए थे FSL माल जमा करने के लिए, तो उनकी सबकी जो है क्वारंटाइन कर दिया गया अपने जो PTS के जो है हॉस्टल में, और बाकी जो उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई जो की जा रही जो है, तो ज़्यादातर लोग तो जो है वहाँ से आने के बाद क्वारंटाइन रहे हैं, फिर भी उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है, उनको भी जो क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो मेरे द्वारा जो है हिदायत दी गई कि जो भी मतलब पुलिस के दौरान कार्रवाई की है की जाती है, जो प्रॉपर जो पीपी किट है जो है उसका इस्तेमाल करें और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि फेस मास्क लगाएं जो है, हैंड ग्लव्स लगाएं जो है, और हमने इनको जो पूरा पीपी किट जो दिया हुआ है जो हैंड कैप जो जो उसको लगाए जो ये सब पूरे सुरक्षात्मक, और बार बार हाथ धोने, अपना ये जो सैनिटाइजर को उपयोग करें, सारी हिदायत हमको जो दी जा रही है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते ही पुलिस कार्रवाई करें। ये बहुत ही निश्चित रूप से संकट का समय है। हमारे एक चंडिया थाने में पुलिस सेवक है जो डाक पहुंचाने का काम करता था, दबिश भी करता था, आना जाना भी करता था, पूरी तरह तन्मयता से सेवा कर रहे थे। वो कोरोना कोविड पाए गए हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से हम शुभकामना करते हैं कि परमात्मा उनको जल्दी ठीक करे। चिंता का विषय यह है कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं उन सबकी जांच बखूबी होनी चाहिए और उनको उन्मुख हृदय से अपनी जांच करानी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय DI शहडोल उनके साहब उमरिया उनका आगमन हुआ और उन्होंने सारे थानों को सील करने का आदेश दिया। इसके साथ जो भी और संक्रमित व्यक्ति और आशंकित व्यक्ति हैं उनको PTS उमरिया में होम क्वारंटाइन किया गया। ये एक सफल प्रयास है और हमारा व्यक्तिगत भी प्रयास होना चाहिए। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो अपनी जांच कराने से बिल्कुल कतई परहेज न करें। DIG साहब के आदेशानुसार चंदिया थाने को पूर्णतः सील कर दिया गया है और जो सभी थानों की बात मैंने की उसमें आवश्यकता अनुरूप भीड़ न लगाई जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और बहुत ही ऐसी गंभीर बात हो
तो कोविड की सतर्कता और नियम का पालन करते हुए कार्यवाही किए जाने की सलाह दी गई। ये बहुत ही सफल और सार्थक प्रयास है और कोरोना से बचने का एक ही इलाज है, सिर्फ आप दिल से दूरी न बनाए, आपस में दूरी शरीर की बनाए, किसी को टच न करें भीड़ भाड़ इलाके में। हमारे यहाँ जिले के चंदिया पुलिस थाने में जो मामला एक प्रकाश में आया है कि सैनिक कोरोना ग्रसित हो गया है, निश्चित रूप से एक गंभीर बात है, क्योंकि उस सैनिक जो हैं जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो तो किसी न किसी रूप में कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और एसडीएम कार्यालय न्यायालय में आते जाते हैं। हो सकता है इसका प्रभाव यदि ज़्यादा संपर्क में आए होंगे कोरोना इफेक्टिव होने के बाद उमरिया में कोरोना की संख्या बढ़ सकती है, परंतु अभी इनिशियल स्टेज में उनको क्वारंटाइन इलाज करना चाहिए, पुलिस को करवाना चाहिए और दूसरी तरफ जितने भी लोगों के संपर्क में आया है उन लोगों का भी टेस्ट हो और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना के मरीज़ अब देश में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं तो हम लोगों की ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ गई है। लोग कम बाहर निकले, लोगों के संपर्क में कम आए, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर करें और जो भी निर्देश जारी किए हैं भारत सरकार उनका पालन करें, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। अपने उमरिया जिले वासियों से और गणमान्य नागरिकों से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस समाज में, उन सबसे आग्रह करते हैं कि कोरोना बचने के जो निर्देश दिए गए उनका पालन करें और लोगों को भी समझाइश दें कि लोग जो है कोरोना संक्रमण से बचाव करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रखें। प्रतिबंधित किया गया आना जाना को प्रतिबंधित किया गया है, ये प्रशासन की सराहनीय पहल है। उमरिया में भी रविवार को लॉकडाउन की जो घोषणा हुई है प्रशासन की ये भी सराहनीय पहल है, हर व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर से बाहर निकलें और अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित रखें।